हम लोग निराश है, हताश है। इसीलिए 2024 को हम लोग राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक सुचिता का वर्ष घोषित करने जा रहे हैं। हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जेबीकेएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, वो जो आपको पता है कि जेबीकेएसएस अब राजनीतिक पार्टी है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो उम्मीदवार के रूप में आपके सामने आएंगे चुनाव में। हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि जेबीकेएसएस के जो भी कार्यकर्ता है, जो आपके क्षेत्र में खड़े हो रहे हैं जेबीकेएसएस के नाम पर, आप उनको वोट दीजिए, उनको जिता करके विधानसभा में भेजिए, ताकि टाइगर जयराम महतो के हाथों को मजबूत किया जा सके, उनके नेतृत्व में झारखंड को बदला जा सके। जे परिवर्तन है एखन झारखंड मांग रहा है, राजनीतिक परिवर्तन, ओकर खातिर हम यहाँ अभियान चला रही है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के जितना कार्यकर्ता हथुन, पूरा झारखंड में सब जोर शोर से लगल हथुन कि कोनो रकम 2024 में राजनीतिक परिवर्तन हो चाहिए। लगातार झारखंड में झारखंडी विरोधी नीति बना रहा हो। यहाँ झारखंड विधानसभा में हाल अभी कई लगो बी लाइन है, हमने के युवा के रोके खातिर जो परीक्षार्थी हथुन, जरा प्रतियोगी परीक्षा में फॉर्म भरे के ओकर खातिर एक बिल आये है, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा नियमावली। उन नियमावली में जिक्र कर गया है कि अगर कोनो खामी यदि हटे तो कोई भी छात्र कुछ नहीं बज सके है, यदि वो बज करते तो ओकर पर केस बजित है। जे परीक्षा में शामिल अधिकारी है तो ओकर ओकर परिवार पर और ओकर नाता रिश्तेदार पर कोनो यदि टिप्पणी करवा तो तहर पर FIR भ जित। तो ये तुगलकी फरमान जारी भ रहा है, हमने के छात्र के नौकरी नहीं दिए खातिर, आंदोलन नहीं करे खातिर, अपन अधिकार नहीं मांगे खातिर, लेकिन हमने के ये अभियान के और जोर करना है। आज के इस मंच से झारखंड के सरकार को भी हम कहना चाहेंगे कि आप जो गैर झारखंडी नीतियां बनाते हैं, आपके जो सलाहकार हैं मुख्यमंत्री जी, आपके नियत में हमको शक नहीं है, लेकिन आप अपने सलाहकारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको रोज एक नया आइडिया देते हैं जो गैर झारखंडी होता है, यहाँ के युवाओं के खिलाफ होता है, यहाँ के लोगों के खिलाफ होता है। मुख्यमंत्री जी, आपका जो पार्टी है वो झारखंडी पार्टी है। हम लोग को बहुत उम्मीद था कि झारखंड अलग हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन किया था, आजसू ने आंदोलन किया था, इस राज्य का भला होगा, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का साथ पाकर, एक कांग्रेस का साथ पाकर और RJD का साथ पाकर झारखंड के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना पा रहे हैं। हम लोग निराश हैं, हताश हैं। इसीलिए 2024 को हम लोग राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक सुचिता का वर्ष घोषित करने जा रहे हैं। हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जेबीकेएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, वो जो आपको पता है कि जेबीकेएसएस अब राजनीतिक पार्टी है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो उम्मीदवार के रूप में आपके सामने आएंगे चुनाव में। हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि जेबीकेएसएस के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो आपके क्षेत्र में खड़े हो रहे हैं जेबीकेएसएस के नाम पर, आप उनको वोट दीजिए, उनको जिता करके विधानसभा में भेजिए, ताकि टाइगर जयराम महतो के हाथों को मजबूत किया जा सके, उनके नेतृत्व में झारखंड को बदला जा सके। बहुत सारे वक्ता हैं, आप सभी लोगों को और लोगों भी सुनना है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को मेरा जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।